तेज चलना या फिर दौड़ना, जानिए फटाफट वेट लॉस के लिए क्या है दी बेस्ट। और इसी तरीके के काफी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रनिंग और वॉकिंग से रिलेटेड हैं, जैसे कि क्या दौड़ने से पेट की चर्बी कम होती है, क्या सिर्फ वॉकिंग से मैं अपना वजन घटा सकता हूँ, और अगर घटा सकता हूँ तो महीने भर में सिर्फ वॉकिंग से कितना वजन घटाया जा सकता है। दोस्तों आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे ही कॉमन क्वेश्चंस, कॉमन कंफ्यूजन्स जो कि वॉकिंग और रनिंग से रिलेटेड हैं। सो इन दोनों में से क्या बेस्ट है अगर आपको अपना वजन कम करना है, और लास्ट में हम जानेंगे 7 ऐसे कमाल के फायदे जो कि आपको वॉकिंग से मिलने वाले हैं। सो फटाफट से अपना वीडियो शुरू कर लेते हैं। वेलकम बैक टू 3D हेल्थ, माय नेम इज श्रृंखला शर्मा, और जान लेते हैं सबसे पहले कि वॉकिंग और रनिंग एक्चुअल में है क्या। दोस्तों दोनों ही एक तरीके की कार्डियो एक्सरसाइज हैं और दोनों ही हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं, दोनों ही वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी कंसीडर की जाती हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि अगर आप रनिंग करते हैं तो आपकी जो स्पीड है कैलोरी बर्न होने की वो बढ़ जाती है, आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं। वहीं आप तेज तेज चल रहे हैं तो वहां आपकी कैलोरीज कम बर्न होंगी और थोड़े ज्यादा टाइम में होंगी, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी दौड़ने से जो आपको फायदे मिलते हैं वही सेम फायदे आपको वॉकिंग से भी मिलेंगे। सो जिन लोगों को अपना वजन कम करना है बहुत स्पीड से, उनके लिए डेफिनेटली दौड़ना ज्यादा बेस्ट है। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है उससे क्या होने वाला है, उस टाइम में अगर आप दौड़ेंगे तो आपका जितना ज्यादा वेट है वो आपके बोन्स के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करेगा, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स आपके जॉइंट्स के लिए हो सकती हैं। सो मैं सजेस्ट करूंगी जिन लोगों का बहुत ज्यादा वेट है वो लोग पहले धीरे धीरे वॉक करना शुरू करें, देन ब्रिस्क वॉक, देन जॉगिंग, देन रनिंग, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा वेट होगा उतना हमारे नीज के ऊपर उसका प्रेशर आने वाला है, हमारे जॉइंट्स के ऊपर उसका प्रेशर आने वाला है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि हमें चलने से कौन से 7 कमाल के फायदे होते हैं। सबसे पहला फायदा, आपका वजन कम हो जाता है, आपका फैट लॉस हो जाता है, क्योंकि जब हम तेज तेज चलते हैं और रेगुलरली चलते हैं यानी कि हम डेली चलते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कैलोरीज डेली बर्न होती है और ये हमारा क्या करती है, फैट लॉस एंड वेट लॉस। दूसरी बड़ी चीज, जो लोग डेली चलते हैं, जो लोग डेली वॉकिंग करते हैं उन लोगों का बीपी भी कंट्रोल में रहता है, उनकी डायबिटीज भी कंट्रोल में रहती है एंड उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल भी धीरे धीरे अपने आप कम होने लगते हैं। सो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, हार्ट इश्यूज हैं, जिन लोगों को डायबिटीज है या फिर हाई बीपी है, वो लोग डेली वॉक करना आज से ही शुरू करते हैं। तीसरी चीज, डेली वॉक करने से हमारी याददाश्त मजबूत होती है और हमारा मूड भी इनहेंस होता है, यानी कि हैप्पी हॉर्मोन जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं इस एक्सरसाइज से धीरे धीरे सीक्रेशन उनका बढ़ जाता है, उनका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। सो अगर आपके मूड को आपको एनहेंस करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप दिन भर फुली एनर्जेटिक रहें, खुश रहें, फुली एक्साइटेड रहें, इंजॉय करें अपनी लाइफ को, तो बहुत ज़रूरी है आप मॉर्निंग में सिर्फ 30 मिनट डेली वॉक कर लीजिए, ये आपके हैप्पी हॉर्मोन के प्रोडक्शन को बढ़ा। चौथा बड़ा फायदा होता है हमारी नींद को, अगर हम डेली वॉक कर रहे हैं तो इससे हमें डेली अच्छी नींद आती है, सो क्वालिटी ऑफ स्लीप हमारी इम्प्रूव हो जाती है, और जब हम अच्छी नींद लेते हैं तो हम फ्रेश रहते हैं पूरे दिन, हमारा माइंड फ्रेश रहता है। और जैसा कि हम ऑलरेडी कई सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिटी ऑफ स्लीप ना सिर्फ हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बल्कि हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। सो स्लीप के लिए आपको डेली मॉर्निंग में कम से कम 30 से 40 मिनट डेली वॉक करना है। एंड नाउ द फिफ्थ, जो लोग डेली वॉक करते हैं उससे उनका स्टैमिना बढ़ता है, बॉडी का एंड्योरेंस पावर बढ़ता है। सो अगर आपको अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, एक्टिव बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है, फुर्तीली बनाना है, तो आप डेली वॉक करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो वॉक है ना, एक्चुअल में इसके हजारों फायदे हैं। रोज घूमने का छठा बड़ा फायदा, जो लोग डेली घूमते हैं उनकी इम्यून पावर भी बढ़ती चली जाती है, उनकी इम्यूनिटी भी और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, बूस्ट हो जाती है, एनहेंस हो जाती है। सो जिन लोगों को अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता पर काम करना है, डेली कुछ टाइम एक्सरसाइज के लिए ज़रूर निकालें, डेली कुछ टाइम कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज ज़रूर करें, बेस्ट है आप सिर्फ वॉकिंग कर लें। घूमने का 7वां बड़ा फ़ायदा, जो लोग रेगुलर बेसिस पे घूमते हैं उनकी उम्र लंबी होती है, और ये जो स्टडी है
एक बार नहीं कई बार हजारों लोगों पे कंडक्ट की जा चुकी है। जो लोग रेगुलर बेसिस पे मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में घूमने जाते हैं उनकी उम्र 33 गुना तक बढ़ जाती है। सो अगर आपको लंबी उम्र जीनी है, हेल्दी लाइफ जीनी है, तो आज से ही इस छोटी सी एक्टिविटी को, इस इजी सी एक्सरसाइज को अपने रूटीन में आप जरूर शामिल। तो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो। अगर लगी है तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर कर दें अपने सारे दोस्तों और रिलेटिव के साथ। लेकिन हाँ, वॉक पे ऑलरेडी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार वीडियोस अवेलेबल है चैनल में। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाके चेकआउट कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।